डॉक्टर साहब, मैंने कल दांत निकाला था, आज तक खून निकल रहा है। 24 घंटे हो गए, ऐसा क्यों हुआ होगा? अगर आपका भी इसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर प्रणय ठक्कर, आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैंने एक पेशेंट के प्रश्न के ऊपर बनाया है। पहली तो चीज़ है, अगर दांत निकाला है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने के लिए बताई गई होती है। अगर आप उनमें से कोई भी चीज़ ठीक से ध्यान ना रखें और आपको फिर भी कोई तकलीफ़ हो तो आप एक डॉक्टर को दिखाने जा सकते हैं। अब जो पहली चीज़ होती है, अगर आपका दांत निकलवाया है आपने, तो उसके ऊपर एक दवाई वाली रुई एक डॉक्टर आपको देंगे। जो रुई आपको डेंटिस्ट ने दी है वो आपको 1-1.5 घंटे तक प्रॉपर प्रेशर देके दबानी होती है। वो जो घाव खुला होता है उसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ेगा वो घाव से जो खून निकल रहा है वो हो सके उतना जल्दी बंद हो जाए। हमेशा खून बंद करने के लिए पहला प्रेशर दिया जाता है। जैसे कि आपने टीवी पिक्चरों में देखा होगा, कहीं कुछ कट गया है तो वो हीरोइन अपनी साड़ी का एक पार्ट फाड़ के वहाँ बांध देती है। तो बांधती क्यों है वो? वो पार्ट बांधने का मतलब है वो ज़ोर से जब टाइट करके प्रेशर दिया जाए तो उस चीज़ का खून अटक जाएगा, वो खून ज़्यादा निकलेगा नहीं। वो खून बहता रोकने के लिए ही वो रुई दी गई है, वो रुई शो के लिए नहीं है। तो वो 1-1.5 घंटे आपको बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ वो रुई को प्रॉपर ज़ोर से दबा के रखना है। और तब तक आपके मुंह में थूक भरे या तो खून ज़्यादा निकल रहा है तो आप पूरा निगलते रहिए। वो सब साफ़ होता है, आप ही का खून है, अगर पेट में जाएगा तो आपको नुकसान नहीं करने वाला है। बट आप ज़्यादा थूक थूक करेंगे तो क्या होगा? अब कई पेशेंट्स को आदत होती है कि सर मुँह में खून भर गया है मुझे थूकना है, तो वो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप। अगर आपने दांत निकलवाया है और आप थूक रहे हैं या कूला कर रहे हैं तो जो घाव भरने के लिए छोटी सी पहली लेयर एक पतली सी चमड़ी बनती है। जैसे आप एक मान लीजिए आपने दूध उबाल के रखा है, थोड़ी देर बाद दूध के ऊपर एक पतली मलाई की परत जमेगी, थोड़ी देर बाद वो परत धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। उसी तरह होता है, जब घाव खुला है तो एक पतली परत पहले जमती है चमड़ी की, वो चमड़ी की परत धीरे धीरे बड़ी होती है और पूरे 24 घंटे में वो एक थिक से एक थिक वाली परत बन जाती है चमड़ी की, जिसके बाद वो खून निकलना बंद होता है। इसीलिए हम कई बार पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई 24 घंटे तक थोड़ा थोड़ा एक बूंद बूंद जितना भी खून निकल सकता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उस वक्त थूका या कूला किया तो वो बहुत पतली परत होती है चमड़ी की, वो भी थूकने के साथ निकल सकती है और फिर वापस नई परत बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि उबाले हुए दूध पे तो परत फटाफट बन गई वो, लेकिन अगर आपने पूरी मलाई अपने निकाल ली तो वापस नई मलाई जमने में बहुत समय लगता है और वो इतनी मोटी बन भी नहीं सकती। इसलिए अगर आप थूक रहे हैं या कूला कर रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं और इस वजह से तो बहुत ज़्यादा आपको लंबे टाइम तक खून निकलने का और घाव भरने में बहुत लंबा समय लगने का चांस रहता है। तो ये अगर आप गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरा होता है, घाव जल्दी भरने के लिए उसको जितना ठंडा लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आपने सुना होगा जैसे डेंटिस्ट हम लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई 1-1.5 घंटे बाद रुई निकाल के पहले आप आइसक्रीम खा लेना। तो कई लोग मानते हैं कि भाई मुझे अगर मेरा शायद खून बह गया होगा ना, इसलिए मुझे एनर्जी देने के लिए, शक्ति देने के लिए सर बोल रहे हैं कि आइसक्रीम खाना, तो मुझे आइसक्रीम की क्या ज़रूरत है, मैं थोड़ा सा खाना ही खा लूँगा, मुझे उससे भी शक्ति मिल ही जाती है। तो भाई वो चीज़ उसके लिए नहीं है। ठंडा लगने पर घाव जल्दी भरता है, इसलिए आपको आइसक्रीम दी गई है। आपको आइसक्रीम भी प्लेन खानी है, फ्लेवर चाहे कोई भी लो, आप वेनिला लो, चॉकलेट लो, मैंगो लो, कोई भी और फ्लेवर ले सकते हैं, लेकिन वो प्लेन फ्लेवर होनी चाहिए। अंदर काजू बादाम या चॉकलेट चिप्स या अंदर कोई दाने नहीं होने चाहिए जो अंदर जाके फंस जाए। आपके दांत का खड्डा हुआ है, वो खड्डे में कुछ फंसना नहीं चाहिए। तो आप कोई भी फ्लेवर का प्लेन आइसक्रीम ले सकते हैं और वो भी धीरे धीरे उसके ऊपर लगते लगते आपको खाना है, एकदम धीरे धीरे खाना है, उसके ऊपर से लगते लगते जाना चाहिए। मतलब आप 10-12-15 मिनट भले पिघल जाए आइसक्रीम, धीरे धीरे खानी रखिए, ठीक है। आप आइसक्रीम एक की बजाय 2 या 3 बार भी खा सकते हैं, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से रात तक आप आइसक्रीम खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो जितना आप ठंडा खाओगे वो ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। आप बाहर गाल के बाहर की साइड से थोड़ा बर्फ़ लगाना भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से सूजन भी ना आए और प्लस ठंडा लगेगा तो घाव भी जल्दी भरेगा। उसके सामने गरम सारा आपको नुकसान करेगा। तो शुरुआत के 24 घंटे हम गरम खाने की मनाही करते हैं, भले आप चाय कॉफ़ी जो ले रहे हो या खाना ले रहे हो, सब आपको थोड़ा ठंडा करके या एटलीस्ट गुनगुना करके ही खाना या पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गरम खा रहे हैं तो भी आपको वापस खून निकलने के चांस है। तो अगर इनमें से आप कोई भी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ये गलती ना करें। अगर आप पान, मावा, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू खा रहे थे पहले, आपको व्यसन है, तो आप अगर दांत निकालते हैं तो
तो शुरुआत के 48 आवर्स मतलब कि 2 पूरे दिन आपको इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, नहीं तो आपको वापस खून निकलना शुरू हो सकता है, आपको सूजन आ सकती है, हो सकता है आपको अंदर इन्फेक्शन हो जाए क्योंकि घाव खुला है। अगर अंदर थोड़ा सा भी इनमें से एक भी तत्व चला गया निकोटिन का या ऐसा कुछ भी, तो अंदर ड्राई सॉकेट करके जो बड़ा सा इन्फेक्शन का एक लेयर बन जाएगा और वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द भी देगा, बहुत लंबे समय तक आपको परेशान करता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें कि इनमें से किसी भी चीज़ का जो कि व्यसन कह सकते हैं हम, उसका आप उस चीज़ से आप 2 दिनों तक दूरी बनाए रखें। और ये सब इतना ही नहीं, आपको शुरुआत के 24 घंटे बोलना भी कम से कम रहता है क्योंकि बोलने से भी कई बार वहाँ की वो जो पत्ती चमड़ी बन रही है वो निकल सकती है। तो आप हो सके उतना बात भी कम करें, थूकना तो है ही नहीं, और सब ठंडा खाना रखें और पान मावा बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ लेना नहीं है। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर और मेरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं, या तो आप अपने किसी डेंटिस्ट जिसके पास आप हमेशा बताने जाते हैं उनको भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखने के बाद भी अगर आपको खून निकल रहा है तो हो सकता है आपको खून पतला करने की दवाई ले रहे हो, या अंदर से ऐसी कोई नस आपकी इन्फेक्शन वाली हो सकती है जिसकी वजह से आपको खून निकल रहा है, तो उस केस में आप अपने डेंटिस्ट को दिखाने जा सकते हैं, वो या तो टाँके लगाएंगे या तो ऐसी कोई चीज़ मटीरियल कुछ भरेंगे जिसकी वजह से आपका खून निकलना बंद हो जाए। लेकिन ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो 99% लोगों को खून निकलना बंद हो ही जाता है शुरुआत के 24 घंटों में ही। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें फॉलो करें, आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और आपको इसी तरह के अनेक और ज्ञानवर्धक दांत के ऊपर के वीडियोस देखने हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आपका मुझसे अब तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।